गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति के कुकिंग पाठशाला में। और आज मैं आप सभी को चिल्ड्रंस डे की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी बच्चों को नजर में रखते हुए चिल्ड्रंस डे के लिए स्पेशल ही मैं आज मिक्स वेज सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं मिक्स वेज सैंडविच। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 बड़ी प्याज जो कि अपने रफली चॉप की है डाल देंगे और हल्का सा इसे सेक लेंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी या बटर भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ चम्मच से हिलाते हुए प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर देंगे। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर रफली चॉपकी हुई हरी शिमला मिर्च डाल रहे हैं। ये 1 बड़ी शिमला मिर्च है और इसे हमने रफली चॉप किया है और साथ ही साथ मैं इसके अंदर पीली शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे भी हमने रफली चॉप किया है और चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे। आपको बैकग्राउंड से थोड़ी आवाजें आ सकती है तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है सभी चीजों को पकते हुए, तो अब हम इसके अंदर 2 बड़े टमाटर जो कि मैंने रफली चॉप किए हैं उसे भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं 1 बाउल इसके अंदर कॉर्न डाल रही हूँ, इसे मैंने पहले ही उबाल लिया था। और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। आप इसमें ब्रोकली, कॉर्न या फिर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर या फिर आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। और साथ ही साथ आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को अवॉइड किया है और साथ ही साथ मैं इसके अंदर 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रही हूँ। इन दोनों ही चीज़ों से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सॉस अगर हमने सब्जी के अंदर ऐड कर ली है तो हमें बाद में सैंडविच में सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ब्रेड की स्लाइस पे थोड़ी मात्रा में सॉस लगा लीजिएगा। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। सभी चीज़ों को कुछ देर हो गई है पकते हुए, तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। पिज़्ज़ा सीजलिंग डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब, ओरिगैनो डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ओरिगैनो या फिर पिज़्ज़ा सीजलिंग या फिर चिली फ्लेक्स, तीनों ही चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए बीच बीच में आवाज़ें कट जाती हैं, उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटाते हुए सभी चीज़ों को चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना ही सुंदर इसमें कलर आया है। चम्मच से हिलाते हुए हम सभी सब्जियों को चेक कर रहे हैं। सब्जियां अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी सब्जियां जो सैंडविच के लिए हमने रेडी की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुकी है। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। जब तक हम बाकी की तैयारियां कर रहे हैं तब तक हम इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। सैंडविच बनाने के लिए हमने 1 बाउल के अंदर कुछ सब्जी निकाल ली है और ये है मेयोनीज,
ये चीज़ है ब्लेंड चीज़, और ये बटर जिसे कि मैंने मेल्ट कर लिया है, और ये है वाइट ब्रेड। सबसे पहले हम ब्रेड को बटर से ग्रीस कर रहे हैं। दोनों ही साइड से हम ब्रेड की स्लाइस को ग्रीस करेंगे और सभी ब्रेडों को इसी तरह से बटर से ग्रीस कर लेंगे। मिलते हैं कुछ देर के बाद। अब हम स्लाइस के ऊपर थोड़ी मेयोनीज लगाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेयोनीज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने एक बड़ी चम्मच के करीब इसके ऊपर मेयोनीज रखी है, और साथ ही साथ हम इसे चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से सारी स्लाइस के ऊपर सेट कर देंगे। मेयोनीज को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो अभी हमने सब्जी फ्राई की थी उसे रखेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा उस तरह से सब्जी को इसके ऊपर सेट कर दीजिएगा। मैंने 2 बड़ी चम्मच के करीब इसके ऊपर सब्जी सेट की है, और इसी तरह से हम बाकी ब्रेड की स्लाइस को भी तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस तैयार करके टोस्टर के अंदर लगा दी है, और साथ ही साथ मैं इसके ऊपर ब्लेंड चीज डाल रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो। तो देखिए हम सारी स्लाइस को चीज़ से अच्छे से कवर कर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लाइस को चीज़ से कवर कर दिया है, और साथ ही साथ अब मैं इसके ऊपर दूसरी स्लाइस भी लगा रही हूँ। टोस्टर को बंद कर देंगे और टोस्ट को अच्छे से पकने देंगे। आप इसे मिक्स वेज टोस्ट या फिर मिक्स वेज सैंडविच बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप उस स्टेज पे इसे फ्राई पैन के अंदर बना सकते हो। आप इसी तरह से सैंडविच को तैयार कर लीजिएगा और फ्राई पैन के अंदर रख कर के किसी प्लेट से कवर कर दीजिएगा, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाइएगा। थोड़ी देर के बाद आप किसी चम्मच से उसे पलट दीजिएगा, और दोनों ही साइड से जब ब्रेड की स्लाइस लाइट ब्राउन हो जाए तो आपका सैंडविच बन करके तैयार हो जाएगा। और बातों ही बातों में हमारे सैंडविच बनकर के तैयार हो गए हैं, और साथ ही साथ मैंने इन्हें सर्व कर दिया है। आप देख सकते हो कि हमारे सैंडविच कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। देखने में जितने यम्मी दिख रहे हैं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। साथ ही साथ आप इसे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, और आप इसे गर्मा गर्म कभी भी बना करके खा सकते हो। मैं आपको एक सैंडविच तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारा सैंडविच कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा मिक्स वेज सैंडविच बनकर के तैयार है, और जो सभी को पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिक्स वेज सैंडविच कैसा बना। बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ज्यादा यम्मी है। आप देख सकते हो देखने में जितना लाजवाब दिख रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है, और सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिक्स वेज सैंडविच कैसा बना, घर परिवार में सभी को कैसा लगा। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।